गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 20.2। अ पिक्टोग्राफ इज गिवन बिलो। एक पिक्टोग्राफ गिवन है। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चर्स यूज करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पिक्टोग्राफ। अ टेबल डेट रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डेज एंड नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड इन अ शॉप। अब इनको आप काउंट कर सकते हैं। मंडे को कितनी बॉल्स सोल्ड हुई है? 3। ट्यूसडे को 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड ऑन सैटरडे इज। सैटरडे को कितनी बॉल्स सोल्ड हुई है काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर विल बी 10। सेकेंड पार्ट, इन द पिक्टोग्राफ ऑफ फर्स्ट द नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज। वेडनेसडे को कितनी बॉल सोल्ड हुई है? यहाँ पे एक भी बॉल नहीं बनी हुई, डेट मीन्स 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन अ शॉप ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ अ ईयर। स्टार्टिंग के 4 months में कितनी बाइसिकल्स को बेचा गया है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। जनवरी में 10 बाइसिकल्स बेची गई हैं, फरवरी में 16 बाइसिकल्स, मार्च में 22 बाइसिकल्स को बेचा गया है। अब इसको आपको पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, उसमें आप मंथ्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड। ऐसे ही आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। वन स्माइली 2 बाइसिकल्स को रिप्रेजेंट करेगी, एंड 1 kite 1 bicycle को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको हेडिंग लिखनी है। अब जनवरी में कितनी बाइसिकल सोल्ड हुई है? 10। मंथ्स एंड नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड जनवरी। जनवरी में टोटल 10 बाइसिकल सोल्ड हुई है। 10 को आप पिक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्माइली 2 cycles को रिप्रेजेंट करती है। टोटल कितनी साइकिल सोल्ड हुई है? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स 5 smileys आपको बनानी है। 2, 2, 2, 2 and 2। 1 smiley रिप्रेजेंट्स 2 bicycles। तो टोटल कितनी bicycles होंगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 smileys हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज 10। फरवरी में टोटल 16 bicycles को बेचा गया है। 16 bicycles को शो करने के लिए आप 8 smiley यूज करेंगे। 8 smiley यूज करनी, बिकॉज 1 smiley रिप्रेजेंट 2 bicycles। ठीक है, तो 16 bicycles को कैसे शो करेंगे? 8 smileys आपको बनानी पड़ेंगी। तो ये कितनी bicycles है? 2 bicycles प्लस 2 bicycles प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 16 bicycles। मार्च में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। मार्च में टोटल 22 bicycles सोल्ड हुई हैं। 22 cycles के लिए आप 11 स्माइलीज बनाएंगे। अप्रैल में 17 बाइसिकल सोल्ड हुई है। 17 में क्या करेंगे? 16 बाइसिकल्स के लिए आप 8 स्माइली बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 बाइसिकल्स। जो लास्ट वाली सिंगल साइकिल बच गई, सिंगल साइकिल के लिए आप ये काइट का सिंबल यूज़ करेंगे। ये 16 साइकिल हो गई, 16 प्लस 1 डेट इज 17। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग 4 different games। फर्स्ट कॉलम में आप गेम्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 200। ठीक है, इसको आप 200 smileys तो नहीं बना सकते, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 1 smiley रिप्रेजेंट्स 50 students एंड 1 kite रिप्रेजेंट्स 20 students। अब आपको 200 शो करना है। 200 के लिए आपको 4 smileys बनानी पड़ेगी। 1 smiley रिप्रेजेंट 50 students, 50 plus 50 plus 50 plus 50, 4 smileys है, उसको 50 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 200। हॉकी कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं? 140। अब 140 को आप कैसे लिख सकते हैं? 140 का मीनिंग है 100 प्लस 40, या फिर लिख सकते हैं 50 प्लस 50। 100 को हमने ऐसे ब्रेक किया, 40 को हमने ऐसे ब्रेक किया। 50 के लिए आप स्माइली यूज़ करेंगे। इस 50 के लिए ये स्माइली यूज़ की है।
20 के लिए आप काइट यूज़ करेंगे एंड इस 20 के लिए सेकेंड काइट यूज़ करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को ऐड करके यू विल गेट 140, 50 + 50 + 20 + 20। ओके, लास्ट है क्रिकेट। क्रिकेट में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 के लिए 2 स्माइली आप बना सकते हैं, बैडमिंटन के लिए 1 स्माइली। ये आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।